हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नम शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बलवीर कोट्स चैनल में। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। तुम्हारी भी कोई इच्छा हो और तुम अपने इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो तो अब भी टाइप करें। महादेव जी का भाग्यशाली अंक 333, हर हर महादेव। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है, क्या है सबसे बड़ा पुण्य? आइए जानते हैं इस कहानी से। काशीपुर नाम के एक गांव में हरीश नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ी काट कर अपना जीवन यापन करता था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी, भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर हरीश की पत्नी उससे बोली, कितने ही दिन देख लो, यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? हरीश बोला, देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच यह बात निकले। उसकी पत्नी कहती है, अब हम क्या करें? मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन करने के बाद हरीश लकड़ी काटने चला जाता है। चलते चलते काफी आगे निकल जाता है। वो सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर चला आया, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहां एक पेड़ है पर काफी छोटा है, इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वो एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। यह क्या लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है, क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा? फिर रास्ते में एक आदमी उसे आवाज लगाता है, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, ये जलाऊ लकड़ी कितने की है? महाराज, आपको सारी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 10 रुपए में दे दूंगा। मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं, मैं केवल 5 रुपए दे सकता हूँ। अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता, पर वैसे मैं थक गया हूँ तो दे दूंगा, 5 रुपए दे दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आप मुझे वो 5 रुपए जल्दी से दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। ये वो तुम्हारे 5 रुपए, ये सारी लकड़ियां वहां रख दो, वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर जाना, हरीश कहता है। मुझे बहुत भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा, चिंता मत करो, तुम खा लो। उसके बाद 10 लोग और खा सके उतना खाना है मेरे पास, जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खा सकते हो। हरीश पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं ये करना चाहता हूँ, फिर भगवान की इच्छा ठीक है तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा।
उस दिन हरीश ने उस पंडित शास्त्री के घर भरपेट खाना खाया और धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं 10 रुपए वाली कीमत की लकड़ियाँ 5 रुपए में दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, सकुशल जा। हरीश ने अपनी कटी हुई सारी लकड़ी पंडित शास्त्री को 5 रुपए में दे दी और घर के लिए निकल गया। उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, इतनी देर तक क्या कर रहे थे, क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। हरीश बोला, देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं था। 5 रुपए मिले हैं, रोज से कम ही है ये लोग। क्या सच में तुम मुझे 5 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना तो दोगे, तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे, क्या कर रहे थे? अरे मैं लकड़ियाँ बेचने निकला था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो मैं हमारे पास के गांव गंगापुर में शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया था। वहाँ पर जो भी जाता है वो उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। हरीश की पत्नी कहती है, हमेशा खाना देता है फिर तो वह बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वो ये कैसे करेगा? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की? हरीश बोला, वो इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वो दान की अच्छी भावना रखते हैं, गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं, वो अपनी कमाई से ही खाना देते हैं सबको। मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। फिर हरीश कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया। मैंने उन ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूँ उसे आधे दाम में दे दूंगा और कल से कुछ लकड़ियाँ उनके लिए और बाकी लकड़ियाँ हमारे बेचने के लिए काटूंगा। पत्नी बोली, इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम जलाओ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सकते तो तुम ऐसे ही 5 रुपए लेकर वापस आओ। 5 रुपए में मैं घर कैसे चलाऊं, तुम ही बताओ। हरीश बोला, जो मैं चाहता हूँ उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा, और फिर भगवान की इच्छा, मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना खाया है, तुम भी साथ चलना खाना खाने। हरीश हर दिन जलाओ लकड़ी काटता था और मिस्टर शास्त्री से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 5 रुपए लेता था। एक दिन मिस्टर शास्त्री भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज आए, महाराज लकड़ी लाया हूँ, 5 रुपए दे दीजिए। यहाँ आकर अपनी लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊँ। फिर शास्त्री ने कहा, देखो हरीश, मैं आज तुम्हें 5 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम तुम्हारी लकड़ियाँ लो और जाओ। वापस क्यों जाओ, यही के लिए लाया हूँ, पैसा कल दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। बहुत अच्छे, हरीश पहले अपने पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। मिस्टर शास्त्री घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताते हैं। उसकी पत्नी बोली, तुमने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय हरीश को कैसे खिलाएंगे, पूरा खाना खत्म हो चुका है। क्या आपको यह पता नहीं है? अरे इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई, तुमने मुझे जो खाना परोसा है वो हरीश के लिए काफी है। सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लो और मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे। जब हमारे पास उतना नहीं है तो यह सब क्यों करना है, वो सब कहाँ से लाए?
सब भगवान देता है। पहले हरीशों खिला के आओ पंडित शास्त्री ही थे जिन्होंने आने वालों को खाना दिया भले ही उनके पास न हो। एक दिन हमेशा की तरह हरीश लकड़ी काटने जाता है। वो सोचता है जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ तो मैंने काट दिए, अब बाकी बचे हरे पेड़ जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया, मुझे सावधान रहना चाहिए, जंगली जानवर हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो यह सोचकर हरीश जंगल के बीच चला जाता है। इतनी दूर आ गया पर कोई पेड़ नहीं मिला, यह अच्छा लग रहा है। एक शाखा ही काफी है, अगर मैं इसे काटता हूँ तो तीन ढेर बन जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा सोचकर हरीश उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। अगर आप भी अपने जीवन में अपनी उन्नति चाहते हो तो उससे भर्ती के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 999 अवश्य लिख देना। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे टीले पर गिर जाती है। फिर अचानक ही वहाँ एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की लगता है, वो तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कुत्ते बन जाओगे। फिर हरीश घबरा कर कहता है, अरे महाराज मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं। मैं यहाँ 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। हरीश ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ और जलाऊ लकड़ियाँ बेचता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमने मेरी तपस्या तोड़ी, इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं है। जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। हरीश बोला, कृपया मुझे बताइए महाराज, मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करूँ। तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हो, उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। हरीश रोते हुए कहता है, मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाओ लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों से सहारा देता हूँ, अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरी पत्नी का क्या होगा। महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी, भगवान है जो इसकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जब श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। हरीश श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज, इतना कहकर वो श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। वो सोचने लगता है, जैसा ऋषि ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहा मिलेंगे, मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ पंडित शास्त्री है ना, वो बड़े ही उदार दिल के आदमी है। अपने पहले प्रयास के रूप में पंडित शास्त्री के पास जाता हूँ। हरीश कुत्ते के रूप में शास्त्री के घर जाता है। शास्त्री अपनी पत्नी से कहता है, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया, सच में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भगवान मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे जो आज यहाँ आए हैं। शास्त्री के खाना खा लेने के बाद उसकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। हरीश कुत्ते के रूप में वहाँ आया और शास्त्री के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो जाता है। हरीश खुश होकर कहता है, मुझे लगा ही था कि पंडित शास्त्री बहुत ही उदार आदमी है, मुझे तुरंत ही आधे
श्राप से मुक्ति मिल गई। लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है, शायद मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद मैं धन धान्य और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन यह तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज। इतना कहकर हरीश दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन संतोष नाम का एक आदमी हल जोतते हुए हरीश को दिखाई देता है। यह देखकर हरीश उसके घर के सामने जाता है। वहां से गाय दान लेने वाला सुरेश गाय को लेकर संतोष के बारे में सोचता है। संतोष बहुत ही पवित्र आदमी है। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लोगों को गाय दान कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए, हरीश उसकी बातें सुनकर कहने लगता है। वाह वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये आदमी उस पंडित शास्त्री के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुक कर देखता हूँ कि वो कब खाना खाता है। हरीश के वहाँ बहुत देर तक इंतजार करने के बाद संतोष ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। हरीश तुरंत जाकर उस पत्ते का बचा हुआ खाना खा लेता है। हरीश आश्चर्य से कहता है, अरे कोई रंग नहीं उतरा। संतोष ने गाय का दान किया था, फिर रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो वापस आकर शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। वहां दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे सुशील, आज संतोष ने फिर गाय का दान दिया। वो चाहे कितना ही दानी दिखता हो, वो हमेशा गांव के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे यह पहले से ही पता होता है। और फिर उन्हें बैठा कर क्यों? खिलाए इसलिए दान कर देता है। वो कभी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता। ऐसा है क्या? अगर वो ऐसा करता है तो अवश्य ही उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी नहीं कर सकता। वो एक महान दानी है, 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्न दान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वो वहां सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी देखा है? कहीं? अरे ये तो कुछ नहीं, उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई हैं। हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवाए हैं। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मी मैंने कहीं नहीं देखा। ये बातें सुनकर हरीश बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो अब तो तय यह है कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वो राजमहल के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन हरीश उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वो सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं। वो खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य ही ये वही राजा है। राजा के खाने तक इंतजार करना होगा। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर हरीश वहां जाता है और पत्ते में से खाना खाता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से खुद को देखकर
कहता है, अरे ये क्या इतने महान दानी। राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला, यह श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस ऋषि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे ये श्राप दिया। हरीश उस स्थान पर पहुंचता है जहां ऋषि थे। वो ऋषि को प्रणाम करता है। तपस्वी उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ? हरीश, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, केवल आधा रंग बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए। फिर हरीश कहता है, मुझे तो शंका है, पंडित शास्त्री का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा, उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ महाराज। इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धर्मी हैं, एक हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धर्म परायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा, आप ही बताइए न महाराज। फिर ऋषि ने उससे कहा, तुमने जितने को भी देखा उनमें से किसी के भी द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। संतोष ऐसी चीजें दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वो उन्हें दान ही नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता, वो तुम्हारे द्वारा दिए करों में से चुकाए गए धन को उस राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के रूप में ही दिए गए थे, इसीलिए जो भी दान उसने कल किए उसे दान नहीं माना जाएगा। यह लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च कर रहा है, समझ रहे हो तुम? इसमें राजा का दान कहाँ है? इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया वो तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो हरीश, सही दान जो शास्त्री ने भूखे को खाना दिया वो था, भले ही उन्होंने खाना नहीं खाया इसलिए उसका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो, तुम श्राप से मुक्ति पाने के करीब हो। समझ गया महाराज, धन्यवाद। हरीश उदास मन से वहाँ से चला जाता है। बाप रे, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहाँ पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ उसे दिखाई दिया। वहाँ दो लोग बातें कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो, वो घड़े में पानी लाता है और वहाँ रखता है। इस धूप वाले रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी लाता है। यह बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे यह 90 साल से अधिक का है। इसका काम काबिले तारीफ है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकाल कर खाने लगता है भूखा। हरीश बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और हरीश को देता है। हरीश इसे खाते ही श्राप से मुक्ति पाकर एक आदमी बन जाता है। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। क्या बात है, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले शास्त्री और प्यास बुझाने वाले उस आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते हरीश अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। उधर पंडित शास्त्री ने इतना दान कर दिया था कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं रह गया था। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वो पुण्य को मोल में खरीद लेते हैं, अतः आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेच करके कुछ पैसा ले आए जिससे अपना कुछ काम चल जाए। शास्त्री की इच्छा न रहते हुए भी वो पत्नी के बार बार कहने पर वहां जाने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री ने उसके खाने के लिए उसे 4 रोटियां बनाकर साथ में दी थी। वो अपने घर से चल दिया और जब उस नगर के समीप पहुंचा जिसमें वो सेठ रहते थे, वहां एक तालाब था। वहीं स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वो रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में एक कुतिया उसके सामने आ गई। उस कुतिया ने वन में बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और वो कुतिया सभी 3 दिनों से भूखे थे।
भारी बरसात हो रही थी। उसी के कारण वो बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकती थी। कुतिया को भूखा देखकर शास्त्री ने उस कुतिया को एक रोटी दे दी। उसने उस रोटी को खा लिया। फिर दूसरी रोटी दी तो दूसरी रोटी को भी उस कुतिया ने खा लिया। इस प्रकार उसने एक से एक करके चारों रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गए। फिर वो वहां से भूखा ही उठकर चल दिया। फिर वो उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात सेठ से कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि एक महाजन आया है और वो अपना पुण्य बेचना चाहता है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि उसके पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है जिसे मैं ले लूं। सेठ की पत्नी ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को चार रोटियां दी है, उस पुण्य को खरीदना चाहिए क्योंकि उसके जीवन का यह सबसे बड़ा पुण्य है। नियत समय पर शास्त्री सेठ के पास आया और सेठ से बोला, आप मेरे पुण्यों में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। शास्त्री बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं था, मैं यज्ञ कैसे करता और कहां करता। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को चार रोटियां दी है, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूं। शास्त्री ने पूछा, उस समय तो वहां कोई नहीं था, मुझे कोई देख भी नहीं रहा था, फिर आपको इस बात का पता कैसे लगा। सेठ ने कहा कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसी ने ये सब बातें मुझे बताई है। तब शास्त्री ने कहा, बहुत अच्छा ले लीजिए, परंतु उसका मूल्य आप क्या देंगे। सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थी उतनी ही हीरे मोती में तौल कर दे दूंगा। शास्त्री ने स्वीकार कर लिया और उसकी सम्मति के अनुसार सेठ ने एक अंदाज से उतने ही वजन की चार रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े पर रख दी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आदि रख दिए, किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वो रोटी वाला पलड़ा उठा नहीं। इस पर सेठ ने कहा कि और रत्नों की थैली ला। जब उस शास्त्री ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा कि सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद वो शास्त्री वहां से चला गया और उसी तालाब के किनारे से जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी, थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों को तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने वो पोटली अपनी पत्नी को दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे, ऐसा कहकर वो बाहर चला गया। उसकी पत्नी के मन में उस पोटली को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। उसने उस पोटली को खोला तो उसमें हीरे पन्ने माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वो बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब वो शास्त्री वापस आया तो स्त्री ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहां से ले आए। शास्त्री बोला, क्यों मजाक करते हो। स्त्री ने कहा, मजाक नहीं, मैंने स्वयं खोल कर देखा है, उसमें तो ढेर के ढेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। शास्त्री बोला, मुझे लाकर दिखाओ। उसने पोटली खोलकर उसके सामने रख दी थी। वो उन्हें देखकर चकित हो गया। उसने उसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृतांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। दोस्तों, इस कहानी का अभिप्राय यह है कि अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा दान होता है और सबसे बड़ा पुण्य भी होता है।
भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार दीन, दुखी और अनाथ को दिया गया दान उत्तम है। किसी को संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपात ग्रस्त प्राणी को एक मुट्ठी चना देना भी बहुत उत्तम दान माना जाता है। वो सबसे बड़ा पुण्य होता है और जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुला, दान आदि किया जाता है या दिया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं होता जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान का होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त, अनाथ, विकलांग, विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। कुपात्र को दान देना तामसी होता है। मान बड़ाई या प्रतिष्ठा के लिए दिया हुआ दान राजसी है, क्योंकि मान बड़ाई प्रतिष्ठा भी पतन करने वाली होती है। आज तो ये मान प्रशंसा हमें मीठी लगती है, पर उसका निश्चित परिणाम पतन का होता है। आत्म मान बढ़ाई की इच्छा का त्याग करके ही दान करना चाहिए और उसी का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। दोस्तों, दान का महत्व त्याग का होता है, वस्तु के मूल्य और संख्या का नहीं होता। ऐसी त्याग भावना से जो सुपात्र को जिस वस्तु का, जिसके पास अभाव है, उसे वो वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना को न रखना, उत्तम दान कहलाता है और उसका पुण्य अनंत गुना होता है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना सात्विक दान होता है। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से कोशिश की गई है कि आपको एक अच्छा संदेश प्राप्त हो। अगर वीडियो में कहीं किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे अज्ञानी जानकर क्षमा कर देना। तुम्हारे भी कोई इच्छा हो और तुम अपनी इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो तो अब भी टाइप करें। महादेव जी का भाग्यशाली अंक 333। हर हर महादेव। हर हर महादेव कैसे पता चले हमारे परिजन स्वर्ग गए हैं या नर्क गए हैं, जो हमारे परिजन मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, हमें छोड़कर के संसार से चले गए हैं, तो उनका कैसे पता चले कि वो स्वर्ग में गए हैं या नरक में गए हैं। स्वर्ग में उनको मना अच्छे घर में जन्म मिला है और नरक माना बुरे घर में जन्म मिला है। कैसे कहां उनको जन्म मिला होगा यह कैसे पता चलेगा, यह जानने की तो हर किसी के अंदर लालसा रहती है कि जो हमारे प्रिय परिजन हमें छोड़कर संसार से चले गए हैं और वो कहां गए होंगे, उनका पता कैसे चले। ये हर किसी की इच्छा रहती है और संसार का हर व्यक्ति भी यही चाहता है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, अच्छी जगह मेरा जन्म हो और जिस परिवार से वो आत्मा जाती है तो उस परिवार के लोगों को भी यही रहता है कि वो स्वर्ग में जाए, उसको मुक्ति मिले, अच्छी जगह उसका जन्म हो। तो आइए आज जानते हैं कि वो आत्मा कहाँ जाती है, कौन से घर में जन्म लेती है, कैसे घर में उसको जन्म मिलता है। तो एक सुंदर कहानी के माध्यम से जानते हैं कि प्रियजन हमारे जो शरीर छोड़कर जाते हैं उनका जन्म कहाँ और किस घर में स्वर्ग नरक कैसे घर में होता है। एक गुरु थे, उनका बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ था और वहाँ उनके बहुत सारे चेला रहते थे, सेवक रहते थे। तो पहले जो गुरु लोग होते थे, गुरुजन होते थे, और वो अपने उनके जो चेला होते थे, सेवक होते थे, उनको ज्यादा तक अपने पास में नहीं रखते थे, अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको भेज देते थे। कुछ कष्ट सहो, कुछ जीवन में प्रयत्न करो, तब संत बनोगे, कुछ ज्ञान की प्राप्ति करोगे, जाओ संसार में घूमो और कुछ ज्ञान की प्राप्ति करो। तो अपने आश्रम से उनको बाहर निकाल दिया, कहा कि जाओ कहीं से ज्ञान की प्राप्ति करके आओ, घूमो और चारों तरफ जाओ और घूमो और नियम बताना कि बता दी उन्होंने कि ऐसे ऐसे संसार में रहना है, इस तरह से रहना है, इस सावधानी से रहना है। वो सारी सावधानियां दे दी है, उनको किसी का पैसा नहीं छूना है,
किसी स्त्री की तरफ गलत दृष्टि से नहीं देखना है, संसार में भ्रमण करना है और सारी सावधानी उनको बता दें। तो फिर कहा जाता है कि वो जो सेवक थे उनके चेला थे, वो 12 साल तक घूमे, सब जगह घूमे और एक रात से ज्यादा, कहते हैं कहीं तक कहीं पर भी रोक नहीं थे और 12 साल में पूरा देश घूमा। उन्होंने 4 धाम पूरी, पूरा पश्चिम उत्तर सब कुछ पैदल पैदल उन्होंने घूमा, खूब भजन किया, जैसे गुरु जी ने बताया था वैसे किया। अब बाद में 12 साल के बाद जब लौट करके आए गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने पूछा कि घुमाए, बोले हैं घुमाए, ज्ञान प्राप्त हुआ। बोले हाँ महाराज जी, आपकी कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। गुरु जी ने कहा वह बहुत अच्छा हुआ। तब तक क्या हुआ, उसी क्षेत्र के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो महात्मा जी की जो कुटिया बनी थी, जो उनका आश्रम था, उनकी कुटिया के आगे से ही अर्थी जा रही थी और सभी लोग कहते जा रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। उसकी अंतिम यात्रा जा रही थी, तो जो गुरु महाराज थे उन्होंने अपने चेला से कहा, उसी सेवक से, कि जाओ ज्ञान प्राप्त करके आए हो, अब पता करके आओ, ये पता लगा करके बताओ कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है यह व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में गया है, यह नरक में गया है, कहां जाएगा, किस घर में उसका जन्म होगा। तो जैसे ही गुरु जी ने कहा डांट के, तो वो चला गया, तो सही सेवक उनका, लेकिन ये कैसे पता लगाए कि मुर्दा जो जा रहा है, ये जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है यह स्वर्ग गया है कि नरक गया है। लौट के आया गुरु जी के पास, तो गुरु जी बोले कहां गया पता लगाया, तो हाथ जोड़ करके बोला कि गुरु जी सब जगह मैंने घूमा है, भजन भी किया है, जैसा आपने बताया था वैसा पैसा नहीं हुआ, किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखा, किसी से कुछ मांगा भी नहीं, खूब भगवान का भजन किया, लेकिन ये ज्ञान तो गुरुजी का ही नहीं मिला है। गुरुजी बोले कि फिर क्या ज्ञान सीख करके आए, इतनी सी बात नहीं सीख पाए हो कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, इतना सा भी ज्ञान नहीं है कि वो पता लगा ले। और गुरुजी ने डांट कर कहा कि जाओ पता लगा करके आना, तब तक मुंह नहीं खाना। तो वो हाथ जोड़कर बोले कि गुरुजी आप ही बता दो, तो फिर और ज्यादा डाटा कि आप ही बता दो, जाओ और जाकर के पता लगाओ और तभी मुंह दिखाना, वरना मुंह नहीं दिखाना। अब वो फिर चेला फिर से निकाला, वो सेवक उनका वहाँ से आश्रम से फिर से निकला, फिर से उसने भ्रमण चालू किया और घूमते घूमते बहुत लोगों से पूछा कि महाराज आप लोगों कुछ पता हो विद्या की, मरने वाला कहा जाता है, स्वर्ग जाता है कि नरक जाता है, तो सब कहे अरे हट जाओ, ये कोई बात है क्या पूछने की, मरने वाला कैसे बताएगा जो मर चुका है कि स्वर्ग गया है कि नरक गया है, कैसे बताएगा, वो पीछे वाले तो अनुमान लगाते हैं, वो सब झूठा होता है। तो वो बेचारा बहुत दुखी हो गया, कई साल हो गया उसे घूमते घूमते, और 66 साल हो गया उसको घूमते घूमते, फिर भी किसी ने बताया नहीं कि मरने वाला आखिर जाता कहाँ है, कहाँ गया है। तो अंत में एक दिन बहुत थका हुआ था, घूमते घूमते थक गया, कुछ खाया पिया नहीं था और थक गया। नगर के बाहर एक छोटा सा सरोवर दिखाई दिया, बगीचा था, बगीचा दिखाई दिया और बगीचे में एक छोटा सा घर जैसा बना था, और उसने सोचा कि रात्रि यहीं विश्राम कर लेते हैं, सुबह निकल जाएंगे। और उस बेचारे जो महात्मा था के उसको पता नहीं था, और वो जो बगीचा था वो किसी वेश्या का था, नर्तकी का था वो बगीचा, और वो नर्तकी भी आकर के भा में बैठती थी, इसलिए उसके लिए वो त्योहार बना हुआ था। अब उसी बगीचे के पीछे की ओर उसकी कोठी बनी हुई थी, और जब वहाँ रुक गए, उसे बच्चों थे, जब वो रुक गए तब उनको पता चला कि भाई ये तो किसी वेश्या की कोठी है। अब सोचा कि बेसस्या की हो चाहे किसी की हो, हमको क्या लेना देना है।
हमें तो रात काटनी है, अंधेरा हो गया है और सुबह होते ही अपना यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, निकल जाएंगे। एक रात काटनी है, कैसे भी करके रात कट जाए, सुबह निकल जाएंगे। और रात में बेचारा सेवक वहाँ राम राम करता रहा और रात निकल गई जैसे ही सुबह हुई, और सुबह जैसे ही हुई तो सुबह वहाँ से एक मुर्दा निकाला जहाँ वह बैठा था, उसी के सामने से फिर एक मुर्दा वहीं से निकला। और जो बहसिया थी उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी सुन, पता लगा करके आ कि जिसकी मृत्यु हुई है इस स्वर्ग में गया है या नरक में गया है। अब ये बात महात्मा ने सुन ली कि स्वर्ग गया है कि नरक गया है, और वो लड़की उसकी वेश्या की जो थी कि वो जाती है और जा करके देख करके लौट के आती है और अपनी माँ से कहती है और बोलती है कि माँ यह तो स्वर्ग गया है। तो उसकी माँ कहती है, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ? महात्मा सोचने लगे कि बचपन से ही तो मैंने घर द्वार छोड़ा, साधु बने, सन्यास धर्म को अपनाया, इतना माला फेरी, इतना भजन किया, इतनी संतों की सेवा की, इतना संतों के साथ रहे, एक से एक बड़े बड़े संत, लेकिन हमें तो आज तक ये विद्या किसी ने नहीं बताई और कहीं से हमें प्राप्त नहीं हुई, और इस वेश्या की लड़की को यह विद्या कहाँ से मिल गई है। तो उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी अधूरी जानकारी है, थोड़ा और यहाँ रुकना चाहिए तो अच्छी जगह लगती है। एक दो घंटे बाद उसका जो संस्कार हो पाया, इसके बाद एक मुर्दा और निकला, पर वहाँ से तो जैसे गाजे बाजे बज रहे थे। तो फिर वेश्या ने कहा कि क्या हो रहा अपनी बेटी से? तो वो बोली, माँ फिर से एक मुर्दा जा रहा है। तो फिर उसने कहा कि जा पता लगा कर क्या कि नरक गया है कि स्वर्ग गया है। अब फिर जाती है पता लगाने और फिर लौट करके आती है और फिर कहती है कि माँ यह नरक गया है। तो बोले, हाँ नरक गया है। अरे बोल राम राम, नरक में गया है? बोले, ठीक है, जाने दो। अब जो महात्मा जी थे वो सोचने लगा कि अरे हमारी तो मंजिल ही पूरी हो गई और जो सच्चे गुरु थे वो हमें मिल गया है, जो बताएंगे कि हमें स्वर्ग गया है कि नरक गया है। पर और फिर वो महात्मा जी जाते हैं बिना किसी संकोच के वो महात्मा जाते हैं और वेश्या को दंडवत प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं कि माताजी परिणाम। तो वो कहती है वेश्या के, अरे अरे राम राम, ये क्या करते हुए पाप क्यों कर रहे हो? आ? तो संत हो करके महात्मा हो करके इतने बड़े आपके जटाजूट और मैं तो वेश्या हूँ, मुझे परिणाम आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा मुझे पाप में क्यों डुबो रहे हैं? तो बोलते हैं कि अरे मेरे गुरु महाराज बड़े नाराज है कि ज्ञान प्राप्त करके आओ कि मरने वाला स्वर्ग जाता है या नरक जाता है, कैसे पता चले स्वर्ग गया नरक गया है, यह पता करके आओ। तब मुंह दुखाना, मेरे गुरु बहुत नाराज है और आपने अपनी लड़की से पूछा कि स्वर्ग गया है नरक गया है तो आपने कैसे पता लगाया? आपकी लड़की ने कैसे पता लगाया कि स्वर्ग गया है कि नरक गया है? तो वो वेश्या थी जो वो हंसने लगी, वो बोली कि अब यह बात तो हमारी लड़की से पूछ लो, मैं तो लड़की ने बताया है न कि स्वर्ग गया है कि नरक गया है, तो उसी से पूछ लो। वो कहने लगी कि महाराज आप ही पूछ लो। तो उसने कहा अपनी बेटी से कि बाबा जी जानना चाहते हैं कि पहले जो मुर्दा गया था वो तुमने बताया कि स्वर्ग में गया है और 2 से 3 घंटे बाद जो दूसरा मुर्दा गया वो कहां नरक गया, तो तुमने कैसे जाना कि पहले वाला स्वर्ग गया और दूसरा वाला नरक में गया, कैसे जाना? तो उस लड़की ने बताया कि यह तो सीधी सीधी बात है, पहले वाला जो जा रहा था उसके पीछे लोग रोते हुए जा रहे थे, कह रहे थे बहुत अच्छे सज्जन आदमी थे, जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी पर गुस्सा नहीं किया, कितने दयालु थे, सबके काम में आने वाले थे, सदा सत्य बोलने वाले थे, भगवान का भजन करने वाले थे, भगवान को सच्चे दिल से मानने वाले थे, कितना उनका प्रेम था दीन दुखियों के प्रति और गरीबों के प्रति। सब लोग कहते जा रहे थे मेरी तो भलाई की, कितने अच्छे आदमी को तो और कुछ दिन यहाँ रहने चाहिए था, कितने सज्जन थे, कितने भक्त थे और कितना भगवान को याद करते थे,
भगवान का भजन करते थे, दीन दुखियों की सेवा करने वाला वाले थे। तो सैकड़ों लोग उनका इस गान करके रो रहे थे। तो हमने समझ लिया, वो लड़की बोली, वस्यक हमने समझ लिया कि जिसकी यहाँ जरूरत लोग अनुभव कर रहे हैं, उसकी अगली जगह भी जरूरत है। जिसकी यहाँ लोग जरूरत अनुभव कर रहे हैं कि और कुछ दिन रह जाता तो यहाँ उसकी आवश्यकता का अनुभव हो रहा है, कि इसका मतलब है कि इसकी आवश्यकता का अनुभव वहाँ भी हो रहा है। तो जब लोग इतना अच्छा, उसका तानो इतनी पुण्यात्मा थी, तो जरूर उसका जन्म स्वर्ग मतलब अच्छे घर में होगा, जो स्वर्ग जैसा घर होगा, जिसमें कभी क्लेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जहाँ भगवान को याद किया जाता हो, जहाँ पूर्ण कर्म किए जाते हैं, उनके माता पिता श्रेष्ठ कर्म करने वाले होंगे, एक राजकुल जैसा उनका घराना होगा, उनका जन्म ऐसी जगह पर होगा और जो दूसरा वाला मुर्दा था, जिसके लिए कहा कि नरक में गया है, तो उसके पीछे जो लोग चल रहे थे, वो कानाफूसी कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, मर गए तो सबको परेशान करता था, नाक में दम किए था, उल्टे सीधे काम करता था हमारे साथ, ऐसा दिया तो बोले अरे जा क्यों रहे हो इसके पीछे, तो बोले अरे भाई नाते रिश्तेदारी है, मुंह दिखाने के लिए जाना तो पड़ेगा, अच्छा हुआ मर गया, कांटा था पूरे क्षेत्र के लिए समझो कांटा, और वो कांटा आज निकल गया। तो जिसकी यहाँ भी जरूरत नहीं मतलब उसकी ऐसे कर्म है, तो उसकी अच्छी जगह तो जरूरत है नहीं, अच्छी जगह तो हो जाए, नहीं तो वो पर नर्क जैसे घर में ही जाएगा नर्क, जैसे घर में ही उसका जन्म होगा नर्क, जैसे कि जहाँ रोज लड़ाई झगड़े उल्टे सीधे काम होते हों, कलह क्लेश मचा हुआ हो, जहाँ मांस मदरा का सेवन होता हो, राक्षसों के जैसे भोजन होते हो, राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं उसको कहा जाता है नर्क, और जहाँ देवता प्रवृत्ति के लोग रहते हैं उसको कहा जाता है स्वर्ग, तो कहा जाता है चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी है, दो दुख दीने दुख होत है, सुख दीगने सुख हुए, यह सबको पीड़ा पहुँचाई। तो अगली जगह जब उसका जन्म होगा तो उसको वो पीड़ा जरूर मिलेगी, यह सबको सुख पहुँचाया तो ऐसे घर में जाएगा कि जहाँ उसको सुख मिलेगा, और फिर कहा जाता है कि वो महात्मा ज्ञान प्राप्त करके लौटे। तो बोले समझ में आ गया, गुरुजी ने पूछा कि बोले हाँ समझ में आ गया, तुमने पूछा बताओ पहले वाला आदमी जो गया था वो कहाँ गया था, बोले स्वर्ग में गया था, बोले कैसे, बोले ऐसे ऐसे उन्होंने बताया, ठीक ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने कहा। तो हम इस घटना के माध्यम से यही समझ सकते हैं, आप समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ऐसे काम करो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पीछे लोग रोते जाएं, तुम्हारे पीछे लग जाएं और कहीं के अरे इस आत्मा को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया, ये क्यों चले गए। कर्म ऐसे करो कि जब तुम्हारा जन्म हो तब तो ज्यादा लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन जब तुम जाओ तो तुम्हारे पीछे पूरा संसार रोता हुआ जाए। इसलिए देखिए कहां भी जाता है कि इंसान की जिंदगी होती है तीन पेज की, और तीन में से दो पेज भरे हुए रहते हैं और उसका एक पेज खाली रहता है। पहला पेज जन्म निश्चित है, कब होना है वो भरा हुआ है, तीसरा जो पेज है मृत्यु वो भी निश्चित है कि कब होना है, और बीच का उसका जो पेज होता है वो खाली रहता है, जिसको हम जीवन कहते हैं, और वो हमें भरना होता है कि उसको हमें किस तरीके से और कैसे भरना है, और वो हमें अपने कर्मों से भरना होता है, जो जैसे कर्म करेगा उसका ही गुणगान होता है। और वो तीसरा जो दूसरा पेज होता है वो हम नहीं पढ़ते हैं, वो पूरी दुनिया पढ़ती है, और वो दूसरा पेज पढ़ा जाता है उस दिन जिस दिन आपका तीसरा पेज खुलता है, यानी कि मृत्यु होती है।
तब आपके दूसरे पेज का गायन होता है कि इसने कैसे कैसे पूर्ण किया, और वो ही पूर्ण कर्म जो होते हैं वो हमारे जीवन में काम में आते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब हम भगवान के यहाँ से आते हैं तो भगवान के यहाँ से आते हैं, तो जैसे ही यहाँ जन्म होता है, जब आत्मा गर्भ से बाहर आती है, गर्भ के साथ उसका जन्म होता, तो बच्चा जन्म होते ही साथ रोने लगता है, और जब रोने लगता है तो वो बच्चा जैसा उसका जन्म हुआ तो रोने लगा, और परिवार वाले सब खुश होते हैं। तो वो बच्चा कहता है, वो भगवान से एक बार जिक्र करता है, और वो आत्मा कहती है कि प्रभु मैंने ऐसा क्या कर्म किया है जो आते ही साथ मुझे रोना पड़ा, और ये सारा संसार हंस रहा है। तो कहा जाता कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जब तू इस संसार में गया है तो तू रोया और जब हंसा है, अब तू करनी ऐसे करके जा प्यारे के, जब तू इस संसार से जाएगा तो तू हंसेगा और सारा जग रोएगा, ऐसे पुण्य कर्म करके जा, जब अच्छे पुण्य कर्मों की पूंजी लेकर के जाएंगे, पुण्य कर्म करके जाएंगे तो हमारा जन्म अच्छे घर में होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, जहाँ जिसको स्वर्ग कहा जाता है, और वहाँ कोई दुख देने वाली आत्मा नहीं होगी, ऐसी कोई हिसाब किताब नहीं बनाया होगा। तो इसलिए उस घर को कहा गया है स्वर्ग, जहाँ सुख शांति है, जहाँ देवी देवताओं के जैसे गुणवान मनुष्य आत्माएं रहती हैं, और उसको नरक कहा गया है जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, तो आज दुनिया में हम देख रहे हैं। इसलिए हमें वही पूर्ण कर्म करने हैं जिससे हमारा जन्म अच्छे घर में हो, पूर्ण शांति। अगर आप भी अपने जीवन में अपनी उन्नति चाहते हो तो उससे भर्ती के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 999 अवश्य लिख देना। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल बलबीर कोच को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।